शहादत के लिए प्रोग्राम रखा है। श्रद्धेय भाई बालक राम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनकी समस्त टीम को नमन करते हुए, और विशेषकर आज जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं, मैं उन सभी परिवार वालों को नमन करती हूँ कि आज वे उनकी धरोहर नहीं है, पूरे भारत की वो धरोहर बन गए हैं। कोई यह ना सोचे कि वो इनकी औलाद थी, नहीं, वो पूरे भारत की औलाद थी, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए, हमारी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जानी जान की बाजी लगा दी, तो वो अपने को अकेला महसूस ना कर सके। उन सभी को नमन करते हुए और जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी को राखी रावण का नमो बधाई। जय भीम। भाई जय भीम का नारा जरा जोर के साथ दो, पीछे तक लोग जय भीम का नारा बोले। जय भीम, एक बार फिर बोलो जय भीम। आज ये प्रोग्राम हमारे भाइयों के लिए हो रहा है जो शहीद हो रहे हैं, और मैं उन्हीं से जोड़कर चंद मिनटों में अपनी बात रखूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है एक टाइम कितना कीमती है, और आप लोगों को भी पता है टाइम कितना कीमती है। बाबा साहेब की वो बात याद रखना, बाबा साहेब जब आंदोलन करने के लिए चले तो उन्होंने एक बात बोली कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो जंजीरें तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। और ये मनवादी लोग हमें इस बात का एहसास कराते रहते हैं, ये समय समय पर ये कहते हैं कि तुम लोग, फिर मैं मन से बोलूंगी तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे जिन्होंने ये बात कैसे बोल दी, लेकिन हमारी मूल समस्या यही है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, और यही हमारे जवान जो शहीद हो गए हैं उनकी जान किस लिए गई, इसीलिए गई क्योंकि वो लोग हमें अपना भाई नहीं मानते, वो हमें अपनी बहने नहीं मानते, हम हिंदू धर्म के भाग नहीं है। तो जो सबसे पहले हमें काम करना है, वो काम हमें यही करना है कि जब बाबा साहेब ने हमें भगवान बुद्ध का धर्म दिया है जिसमें हमारे लिए सम्मान है, तो फिर हमें उस मार्ग को सबसे पहले अपनाना ही पड़ेगा। जब तक तुम उस मार्ग को नहीं अपनाओगे, तुम्हारे साथ ये घटनाएं घटती रहेंगी, कभी ना कभी तुम्हारे साथ जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें हिंदू धर्म का त्याग करके भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा, बौद्ध धर्म में दीक्षित होना ही पड़ेगा। और फिर बात करो कि हमें इस देश के अंदर जो बाबा साहेब ने संकल्प लिया था कि इस भारत को बौद्ध में मैं बनाऊंगा, जब हम खुद बौद्ध में बनेंगे, बुद्धिस्ट बनेंगे, तभी हम दूसरों से कह सकते हैं कि तू भाई बुद्ध धर्म का रास्ता अपना। लेकिन जब हम खुद ही भगवान बुद्ध की बात नहीं मानेंगे, जब हम खुद ही बाबा साहेब की बात को नहीं मानेंगे, तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं। बाबा साहेब ने कहा कि जिस समाज की, ये बात जरा ध्यान से सुनना, कि जिस समाज की महिलाएं आगे होंगी वो समाज कभी पीछे नहीं जाएगा, और बाबा साहेब ने कहा कि जिस देश की महिलाएं आगे होंगी वो देश कभी पीछे नहीं जाएगा। हम बाबा साहेब की औलाद हैं, हम बाबा साहेब की बेटी हैं, इसलिए हमें अपने समाज को आगे रखना है, अपने देश को आगे रखना है, और बाबा साहेब का संकल्प इस भारत को बौद्ध में बनाकर ही दम लेना है, क्योंकि ये भारत जब तक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा, यहां पर हमारे साथ जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। बहुत गांव में जाकर मैंने और सहरा जी ने 1350 मीटिंग ले ली हैं। हम गांव गांव में जाकर अपने समाज को इसी बात के लिए जगा रहे हैं कि जागो ए मेरे बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, जागो। कब तक अपनी इज्जत को लुटवाते रहोगे, कब तक मंदिरों में सिर फुड़वाते रहोगे, कब तक भिखारी बन के भीख मांगते रहोगे। अरे अब हमें भिखारी नहीं बनना है, अब हमें राजा बनना है, भिखारी मनु वादियों को बनाना है। अरे कहो कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम यहाँ की राजा रहे, यहाँ के शासक रहे। तो बाबा साहेब ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन मेरे बहुजन समाज के भाइयों ने क्या लिख दिया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या इससे हमारे समाज के, इस बहुजन समाज के भाई या लोग शासक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो तुम्हें अपनी बात को ध्यान में रखकर, अपने सम्मान को ध्यान में रखकर, महिला
के बलिदान और संघर्ष को ध्यान में रखकर, अरे बाबा साहेब तो स्कूल में पानी के लिए तड़पते थे लेकिन आज मंच के ऊपर मिनरल वाटर रखा है तो कैसे भूल गए तुम लोग कि जो हम गंदा पानी पीते थे लेकिन आज मिनरल वाटर हमारे होठों तक आ गया है और हम गुलाम है मनुवाद के। तो कसम खाओ कि हे बाबा साहेब हम तेरी ही औलाद हैं और ये पानी जब जब हमारे होठों तक जाता है हम ये कसम खाते हैं कि इस मनुवाद की धज्जी उड़ा कर रहेंगे, इस मनुस्मृति को आग लगा कर रहेंगे, इस भारतीय संविधान को बचाकर दम ही लेंगे। जब तक ये भारतीय संविधान सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं जान लो, लेकिन अगर तुमने इस भारतीय संविधान को बचाकर नहीं रखा तो तुम गुलामों के गुलाम फिर से बन जाओगे जो तुम्हें होने नहीं देना है। और भारतीय संविधान तभी बच सकता है जब तुम लोग भगवान बुद्ध का धर्म अपनाओगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के नियमों पर भारतीय संविधान आधारित है। और जब तुम ही लोग संविधान का उल्लंघन करोगे या मनुवादियों की ताकत बनोगे तो फिर कैसे कह सकते हो कि भाई हम भारतीय संविधान को बचाएंगे। तो सबसे पहला आप ये कदम उठा के रखना कि हम पहले बुद्ध की शरण में जाएंगे और फिर आगे का रास्ता, आगे की मंजिल हम तय करेंगे। जहां जहां भी बाबा साहेब के प्रोग्राम होते हैं आप भारी से भारी संख्या में पहुंचो और आपस में ये फूट डालना बंद करो। जब तक हम एक जुट नहीं होंगे हमारी ताकत मिटती चली जाएगी और लोग हमारा फायदा उठाते रहेंगे और फिर से इन मनुवादियों की सरकार बन जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर 2019 का जो ये चुनाव होने जा रहा है, बुआ और बबुआ का जो ये समझौता हुआ है, हमें उस समझौते को बुलंदी पर ले जाना है और बहन मायावती को इस भारत की पीएम बनाकर ही हमें दम लेना है। इस बात का निर्णय करो और ये जब तक तुम नहीं करोगे और मैं शायद मंच के ऊपर दो लाइन मेन अपने भाइयों के लिए बोलकर अपनी बात को विराम दूंगी और मुझे यहां बोलने का टाइम मिला इसके लिए मैं मंच की आभारी हूं कि बाबा साहेब के जितने भी फॉलोअर हैं या जितने भी लोग आज यहां बैठे हैं उन सभी की तरफ से इन परिजनों के लिए वो लाइन है कि चित में हर पल चिंतन हमारे, चित में हर पल चिंतन हमारे, हमें चैन नहीं आराम नहीं और कुर्बानी इन शहीदों की मनुवादियों होने देंगे बेकार नहीं, होने देंगे बेकार नहीं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, एक बार फिर मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ।